Good morning, students. So today we are going to study a very important topic, and the name of the topic is quality factor. Quality factor. So students, इसको start करने से पहले हमें एक condition बिल्कुल अच्छे से समझनी होगी, और जो आप already पढ़ चुके हैं, that is the condition of resonance. क्या होता है resonance? Have you heard this word? Maximum value of current, मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, नहीं आया समझ में? सो लेट्स प्लॉट अ एलसीआर सर्किट. सो मैंने एक एलसीआर सर्किट लिया और यहाँ पर हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करने चाहते हैं. दिस इज अ सीरीज एलसीआर सर्किट. ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ इंडक्टर, ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ कैपेसिटर. ओ रेजिस्टेंस तो लगाया ही नहीं है, रेजिस्टेंस भी लगाते हैं. सो एलसीआर सर्किट है, अब इस सर्किट को अगर हमें ट्यून करना है, तो देखिए अगर आप इसको ट्यून कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी? पहले तो आपने ईएमएफ कितना अप्लाई किया होगा? ईएमएफ जो आपने अप्लाई किया होगा E0 sin ωt, ये वैल्यू आपने अप्लाई किया. तो अब देखिए क्या होगा, या तो आपका जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, कुछ वोल्टेज होगा अक्रॉस इंडक्टर, कुछ होगा अक्रॉस कैपेसिटर, इसको मैं वीसी से डिनोट कर रहा हूँ, कुछ वोल्टेज होगा अक्रॉस. अब क्या क्या देखिए पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से ग्रेटर होगा, या फिर क्या होगा इससे कम होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज लेसर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. और जो थर्ड केस होता है जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में डिस्कस करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. इन तीनों में से कोई भी केस हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे फेजर डायग्राम्स बनते हैं. तो सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए आपने फेजर डायग्राम पढ़ा होगा. हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर वैल्यू लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और यहाँ पर लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू को, ठीक है. और इसी तरीके से अच्छा यहाँ आ गया, यहाँ पर आया वोल्टेज अक्रॉस. जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वोल्टेज के टर्म्स में, सेम ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में, रेजिस्टेंस के टर्म में. सो रेजिस्टेंस के टर्म में भी हम क्या करते हैं, बीएल की जगह पर क्या आ जाता है, एक्सएल. इसका नाम याद है आपको, एक्सएल. दिस इज, इनके बड़े डेंजरस से नेम होते हैं, याद कीजिए. ये जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहाँ पर आएगा आर, ठीक है. आर इज द रेजिस्टेंस सिंपली. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप इसका ओवरऑल, अगर आप इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इम्पीडेंस, ठीक है. इस ग्राफ से हमें जो ओवरऑल वैल्यू मिलेगी वो इम्पीडेंस की मिलेगी, विच इज गिवन बाय जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, याद आ रहा है कुछ, जेड की वैल्यू कितनी आती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी स्क्वायर. मैं ये डिफरेंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक्सएल भी ग्रेटर हो सकता है, एक्सी भी ग्रेटर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, लेकिन हमें डिफरेंस का स्क्वायर करना. तो ये कंडीशन रहती है जब हम इम्पीडेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. सो लेट्स कम टू द कंडीशन, यहाँ पर हो क्या है, यहाँ पर हम सीरीज एलसीआर सर्किट को ट्यून कर रहे हैं. वी आर ट्यूनिंग इट. कैसे ट्यून कर रहे हैं, हम लगातार यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को ट्राई कर रहे हैं, कुछ फ्रिक्वेंसी ट्राई की, लगातार हम इसको ट्यून कर रहे हैं. और इसको हम ट्यून कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप याद कीजिए कि ये जो है वोल्टेज, या जो यहाँ पर जो हमें रेजिस्टेंस मिलने वाला है एक्सएल और एक्सी, ये तो फ्रिक्वेंसी के फंक्शन है. एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा, याद आया कुछ, पढ़ रखा है आपने, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एंड एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा. तो यहाँ पर एक्सएल और एक्सी को वेरी करना तो हमारे बिल्कुल क्या है, फेवर में है, जब चाहे हम इसको जितना चाहे वेरी कर सकते हैं. तो जब आप एक्सएल और एक्सी को लगातार वेरी कर रहे थे, सर्किट को ट्यून कर रहे थे, घुर घुर लगातार आप इसकी ट्यूनिंग करते चले जा रहे हैं, तो आपको एक कंडीशन ऐसी ज़रूर मिलेगी जहाँ पर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी. तो मैं कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एक्सएल और एक्सी का इक्वल होना, वीएल और वीसी के इक्वल होने की मैं बात कर रहा हूँ.
when the voltage across inductor will be equal to voltage across capacitor. तो इस condition का जो name है उसे हम कहते हैं resonance. ये condition, जब voltage across inductor और voltage across capacitor दोनों equal हो जाए. So this condition is resonance condition. Resonance. अगर ऐसा हुआ, अगर ये रेजोनेंस कंडीशन हो गई तो इससे क्या, देखिए क्या इसके आउटकम्स होंगे. ऐसे आउटकम होंगे कि ये जो हमने इम्पीडेंस की वैल्यू निकाली है, द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस विच वी हैव कैलकुलेटेड, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी स्क्वायर. तो यहाँ पर जेड इज इक्वल टू लिखा अंडर रूट आर स्क्वायर, क्योंकि आगे हो जाएगा जीरो, एक्सएल और एक्स सी तो इक्वल हो जाएंगे. सो जेड की वैल्यू आपको मिलेगी आर के जो हमें Z की वैल्यू R के इक्वल मिली, क्या ये Z की मिनिमम वैल्यू है? सोचिए. जी हाँ, ये Z की एक मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि VL और VC ये दोनों तो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं. R इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये तो रहेगा. तो आप कभी भी इम्पीडेंस को रेजिस्टेंस से कम नहीं कर सकते. तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा? Z की वैल्यू R के इक्वल आ गई. ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए XL और XC तो कैंसिल आउट हो गए, तो ये जाएगा जो Z होगा और R दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर इसकी बात करें. और अगर आप इस ग्राफ के केस में भी देखें, सो VL और VC कैंसिल आउट, यहाँ जाने वाला है करंट. तो जब वोल्टेज और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ना ही वोल्टेज लीड करे ना ही वोल्टेज लैग करे बिहाइंड द करंट, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की कंडीशन होती है ये, ठीक है. ऐसा कंडीशन जिसमें वोल्टेज करंट से ना लीड करे या लैग करे, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, दोनों सेम फेज में, ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. और यहाँ पर हमें इम्पीडेंस की वैल्यू क्या मिल रही है? मिनिमम मिल रही है. तो जब इम्पीडेंस हमें मिनिमम मिल रहा है तो करंट क्या होगा? व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? पीक वैल्यू ऑफ करंट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस. तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, तो यहां पर हमें मिल गया आर. यहां पर देखिए आप आर की वैल्यू, जो जेड की वैल्यू है, आप इसे वी अपॉन जेड भी लिख सकते हैं, वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन में, क्योंकि आर और जेड इक्वल हैं. तो आप देखिए जेड इज द मिनिमम, यहां पर आपको जेड की वैल्यू मिनिमम मिल रही है. तो इस वजह से, क्योंकि जेड की वैल्यू आपको मिनिमम मिल रही है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम. इसका मतलब क्या हुआ? हमें कैसे पता चलेगा ट्यून करते हुए सर्किट को कि अब रेजोनेंस की कंडीशन होगी? आप लगातार सर्किट को ट्यून कर रहे थे और अचानक से एक वैल्यू ऐसी आई जहां पर आपको मैक्सिमम पावर मिली. क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पावर जो है वो भी करंट का ही फंक्शन है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. आपको एकदम से ऑडियो सिग्नल मिलेगा और बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का, बहुत ही हाई रेंज का, जिससे आपको पता चलेगा अच्छा रेजोनेंस हो गया. तो देखिए किस तरीके का ग्राफ रहने वाला है रेजोनेंस की कंडीशन में. ये रहेगा ग्राफ रेजोनेंस का. तो इस ग्राफ में मैं शो कर सकता हूँ कि मान लीजिए ये ओमेगा की वैल्यू चल रही है और ये चल रही है पावर की वैल्यू. तो हम लगातार डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में इसको ट्यून कर रहे थे, ठीक है, और एकदम से हमें रेजोनेंस की कंडीशन मिली. तो रेजोनेंस की कंडीशन में एकदम से हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर मिला. इस तरीके से हमने लगातार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर, ओमेगा नॉट पर, ओमेगा वन पर, बहुत सारी वैल्यूज पर ट्राई किया, ठीक है. एक काम करते हैं, ओमेगा नॉट को हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, इसे यहाँ पर रखता हूँ, ओमेगा वन ये ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ ओमेगा टू. तो ओमेगा नॉट जो हो गई यहाँ पर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हो गई. कैसा ग्राफ आएगा? ऐसे बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं, पावर आपको मिला. तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पर. तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर आपको मिल रहा है ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी पर. तो क्या आपको ओमेगा नॉट फ्रिक्वेंसी का ही सिग्नल सुनाई देगा? क्या आपको ये सिग्नल ही सुनाई देगा, इस फ्रिक्वेंसी का, इस फ्रिक्वेंसी का, जो बहुत सारी और फ्रिक्वेंसीज चली आ रही है, इतनी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जो है, क्या आपको इन सभी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल सुनाई देगा या केवल ओमेगा नॉट का सिग्नल सुनाई देगा? सोचने वाली बात है, बताइए. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि आपको कौन सी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल सुनाई देगा.
यहाँ पर तो पावर कितनी होगी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहाँ पर करंट चल रही है, ठीक है, तो मैक्सिमम करंट ये मिल गई हमें मैक्सिमम पावर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर। एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूफ है कि अगर आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम पावर की हाफ है तो उस फ्रिक्वेंसी तक सिग्नल जो होगा आपके लिए ऑडिबल रहेगा। या आप रेडियो से भी कंपेयर कर सकते हैं इसको, LCR को, रेडियो है ही क्या, LCR सर्किट ही है, सीरीज़ LCR, ट्यूनिंग करते रहते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर, और जिस फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेंस हो जाता है तो उस फ्रिक्वेंसी पर हमें सिग्नल मिलता है और हम गाने सुन पाते हैं, ऐसे ही हम रेडियो को सुन पाते हैं। तो अब देखिए हाफ पावर पर भी हमें क्या होगा, जो सिग्नल होगा वो ऑडिबल रहेगा। अब हाफ पावर कितनी होगी, आई स्क्वायर आर, अगर जो है यहाँ पर मैक्सिमम पावर है तो हाफ पावर जो आपको मिलेगी वो मिलेगी, आप सोच कर देखिए, आई नॉट अपॉन टू पर, आई नॉट अपॉन रूट टू पर, सोचिए आई नॉट अपॉन रूट टू का स्क्वायर इंटू आर अगर आप करेंगे तो आपको हाफ पावर मिल जाएगी, पहले पी थी तो पी बाय टू हो जाएगी, आई नॉट अपॉन रूट टू पर, यानी कि आई नॉट अपॉन रूट टू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.707 टाइम करंट, तो यानी कि लगभग ये 0.707 यहाँ तक हो गया। इतनी फ्रिक्वेंसी जो मैं डॉटेड से शो कर रहा हूँ ये फ्रिक्वेंसी जो होगी हमारे लिए ऑडिबल होगी, यहाँ तक सी कहाँ तक ये वैल्यूज जो होंगी हमारे लिए ऑडिबल होंगी। सो सपोज दिस इज ओमेगा, कुछ भी लिख देते हैं इसको ओमेगा 3 और दिस इज ओमेगा 4, ये फ्रिक्वेंसीज भी आपको सुनाई देंगी। यहीं से अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो स्टार्ट होती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की। क्यों ज़रूरी है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये फ्रिक्वेंसीज सभी हमारे लिए ऑडिबल रहेंगी, इससे ऊपर बनेंगे, आप देख सकते हैं हाफ पावर से ऊपर भी आपको बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज मिल रही है जो आपको सुनाई देंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना आपका जो सिग्नल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे या जो आपकी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी है वही आपको सुनने को मिले तो क्या कंडीशन रहेगी, आइए देखते हैं इस कंडीशन को। आपको क्या करना पड़ेगा ऐसा कि आपकी जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी है केवल आपको वही सुनाई दे और फ्रिक्वेंसी सुनाई ना दे। यहां पर हाफ पावर, तो मैं अलग अलग केसेस लूंगा, शार्पनेस की बात करेंगे यहां पर हम, ठीक है। सो अभी ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, यहां पर पावर मिल रही है हमें पी, हाफ पावर लगभग आई नॉट अपॉन रूट टू पर जो हमें मिलेगी वो लगभग मान लीजिए यहां पर मिलेगी पी बाई टू, कितनी वैल्यू होगी आई नॉट अपॉन रूट टू का स्क्वायर है ना इंटू आर, ये हो जाएगी हाफ पावर, ये भी हमारे लिए ऑडिबल है। क्या किया जाए कि हम इस रेंज को कम कर पाए, ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट केस। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कर लिए वी बाई जेड, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है वी बाई आर रेजोनेंस कंडीशन में। अगर हम R की वैल्यू को और कम कर दें तो पावर जो होगी वो और बढ़ जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ पावर बढ़ जाएगी। तो केस टू में मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को मान लेते हैं डबल कर, ठीक है, तो जो करंट की वैल्यू है और राइज कर जाएगी, डबल हो जाएगी तो पावर भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर शार्पनेस जो पहले यहाँ तक आ रही थी वही शार्पनेस अब इस केस में पहुँच जाएगी ऑलमोस्ट यहाँ, दिस इज केस टू। अब हाफ पावर कहाँ पर मिलेगी हमें, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर जब मैंने रेजिस्टेंस को वेरी करके बढ़ा दिया, अब हाफ पावर कहाँ मिलेगी ऑलमोस्ट यहाँ। अब आप मुझे बताइए ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज जो है हाफ पावर वाला अब क्या हो चुका है, वो अब इतना हो। तो पहले ये केवल जो मैंने डार्क कर रखा अब ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज इतनी होगी, पहले ओमेगा 3 से ओमेगा 4 तक थी इतनी वैल्यू थी और अब ओमेगा 3 मीन्स बहुत ही कम रह गई है कंपैरेटिवली। तो अगर आप शार्पनेस को और बढ़ा देंगे तो हमारी जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है वो और कम हो जाएगी, और यही हमारी रिक्वायरमेंट रहती है क्वालिटी फैक्टर के लिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जितना शार्प होगा हमें डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी जो होगी वो उतनी स्पेसिफिक मिलेगी और सिग्नल जो होगा हमें उतना ही क्लियर सुनाई देगा।
हम नहीं चाहते कि हमें बहुत सारे फ्रिक्वेंसी रेंज मिले जो ऑडिबल हो, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज ऐसी हो कि उस सिग्नल के लिए ही हमारे लिए ऑडिबल रहे और बाकी फ्रिक्वेंसीज जो हों वो काम ना करें। और इसको हम बहुत स्मार्टली करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रेडियो सुनते हैं, अगर आप लोग रेडियो सुनते हैं तो आपको कभी भी दो चैनल ऐसे नहीं मिलेंगे कि 92.7 और 92.8, उनके बीच में बहुत अच्छा खासा गैप होता है। गैप इसलिए रखा जाता है ताकि रेजोनेंस कंडीशन ओवरलैप ना हो। कैसे ना हो, देखिए मान लो ये जो है ये फ्रिक्वेंसी किसी रेडियो सिग्नल के लिए जो है ये काम कर रही है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का। सो सपोज ये 92.7, अब हमें हाफ पावर वाले सिग्नल भी सुनाई देंगे, तो हाफ पावर सपोज यहाँ तक मिली हमें तो ये सिग्नल भी सुनाई देगा, ये सिग्नल भी सुनाई देगा हमें। अब मान लेते हैं ये जो है 90 है या 91 है और ये सिग्नल जो है ये 93 है। कभी भी इतना एडजेसेंट गैप नहीं रखा जाता, उनके बीच में इतने मेगाहर्ट्ज़ का गैप जरूर होगा दो लगातार चैनल्स के बीच में, कंसेक्यूटिव चैनल्स के बीच में, कि अगर सोचिए यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ये वाली फ्रिक्वेंसी भी ऑडिबल है, ये वाली फ्रिक्वेंसी 93 तक सभी ऑडिबल है। पर अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन रखी ही नहीं हुई है, मतलब कि इन फ्रिक्वेंसीज पर कोई भी चैनल नहीं है, तो जिसकी साउंड हमें ओवरलैप करे, इस तरीके से रेडियोज़ को ट्यून किया जाता है। सो क्वालिटी फैक्टर का मीनिंग होगा आप शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को बढ़ाएं। कैसे करेंगे आप, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते चले जाएंगे और शार्पनेस जो होगा वो और बढ़ता चला जाएगा। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द शार्पनेस यू हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस एंड दैट इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर को अगर आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना है, सो दैट इज नोन एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू दैट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। This is known as quality factor. I hope you understood this topic in a well manner. Thank you. God bless you.